आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर 10वीं पास किया है या ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें विभिन्न पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक पद नहीं है, बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। टॉप लेवल से लेकर नीचे तक आपको कई सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर एंड इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु के थ्रू ये वैकेंसी जो है ये निकाली गई है। पोस्ट कौन कौन सी है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए रिक्रूटमेंट किसका किसका होने वाला है, साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। ठीक है, तो बहुत सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सारी चीजें दी हुई है। देखिए यहाँ पर कुछ टेबल्स है, ठीक है, उन टेबल्स में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए मेकेट्रॉनिक्स डिसिप्लिन फील्ड के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये कौन सी पोस्ट है, तो लिखा हुआ है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर एंड इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, पोस्ट कोड दिया हुआ है 001, डिसिप्लिन फील्ड दिया हुआ है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए, ये जो पोस्ट है उसके लिए आपको कौन कौन से फील्ड में काम करना है और कितनी वैकेंसी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैकेट्रॉनिक्स फील्ड के लिए एमई या फिर एमटेक या फिर इक्विवेलेंट इन मैकेट्रॉनिक्स विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही सेम चीज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के काम की कौन सी चीज है, उसके बाद जो है बाकी की चीजें देखेंगे। मैथमेटिक्स की फील्ड में अगर आपको काम करना है तो एमएससी आपके पास होना चाहिए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एमएससी एमटेक वालों के लिए ही है, मैंने बताया था 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई सारी चीजें, तो आगे देखते जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के लिए एमएससी होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर यहां बात करेंगे दूसरे फील्ड की तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर के लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन SSLC या फिर SSC या फिर मैट्रिक्यूलेशन होना चाहिए, प्लस साथ में ITI होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्यूलेशन के साथ अगर ITI है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपसे क्या मांगा गया है, मैट्रिक्यूलेशन प्लस ITI मांगा गया है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। यहां पर रिटन टेस्ट आपका होने वाला है फिटर फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी के लिए, प्लंबर के लिए, रजिस्ट्रेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, टर्नर के लिए, कारपेंटर के लिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, वेल्डर के लिए, सब के लिए मैट्रिक्यूलेशन प्लस ITI मांगा गया है। अगर आपने किया है, आपके पास है, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, लेकिन रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ड्रॉट्समैन मैकेनिकल के लिए और ड्रॉट्समैन सिविल के लिए रिटन टेस्ट आपका होगा, इसमें भी मैट्रिक्यूलेशन प्लस ITI मांगा गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हैं, कौन सी पोस्ट के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इन सभी फील्ड्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट अगर आपको पानी है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग का, कौन सी इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है अगर आपको कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में अप्लाई करना है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। ठीक है, आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। अब यहां पर देखेंगे सिविल और मैकेनिकल के लिए भी वही चीजें हैं, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबके लिए आपको एग्जाम देना, ये सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। अब साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कौन कौन से फील्ड में है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन इन बीएससी, केमिस्ट्री में बीएससी किया हो तो केमिस्ट्री की फील्ड के लिए, फिजिक्स में आपने फर्स्ट क्लास से बीएससी में ग्रेजुएशन किया हो तो फिजिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन अगर आपने एनिमेशन और मल्टीमीडिया में किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन अगर आपने मैथमेटिक्स किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स में किया हो तो आप जो है मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपने किया है, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट की फील्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट होने वाला है। उसी तरीके से कुक के लिए SSLC या फिर SSC पास या फिर इसका इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। फायरमैन ए के लिए आपको SSLC या फिर SSC पास होना चाहिए और शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपको जो है अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहां पर आप देख सकते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर ए, ठीक है, SSLC पास या फिर इसका इक्विवेलेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ लाइट व्हीकल ड्राइवर, वैलिड LVD लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट शुड बी मेट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट, ठीक है, इसके लिए भी आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। यहां पर भी हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए भी वही सारी चीजें, लेकिन एक्सपीरियंस जो है 5 साल का मांगा गया है, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हेवी व्हीकल ड्राइवर का होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें नीचे तो आपके लिए एक और टेबल है जिसमें एज लिमिट दी गई है। देखिए ध्यान से, साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाली है। साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए यहां पर 18 से 28 साल, ठीक है, और सैलरी जो है आपकी वही सेम रहेगी 56,100 रुपए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट और सैलरी 44,900 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाली है। टेक्नीशियन B के लिए 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट, ड्रॉट्समैन B के लिए भी 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट, सैलरी 21,700 रुपए दिया जाएगा। फायरमैन, कुक और लाइट व्हीकल ड्राइवर और हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 18 से 35 और 18 से 35 सैलरी 19,900, मतलब वही 20,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली, अब हमको देखना है कि अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, जो लिंक है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अगर चाहिए तो आपको www.isro.gov.in पर जाना है या फिर urse.gov पर जाना है या फिर istrse.gov.in पर जाना है। इनमें से किसी भी एक वेबसाइट में जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक, तो 10 फरवरी से 1 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च तक आप लास्ट डेट जो है आपके इस फॉर्म का रखा गया है। अब अगर हम आगे देखें तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। पेमेंट किस तरीके से करना है फीस का, तो देखिए देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 250 रुपीज, जो 250 रुपए होगा वो नॉन रिफंडेबल फीस होगा 250 रुपए फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट। However, इनिशियली सभी कैंडिडेट्स को यूनिफॉर्मली 750 रुपए देना होगा पर एप्लीकेशन एज अ प्रोसेसिंग फी। सबसे पहले आपको 750 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फी देना होगा। प्रोसेसिंग फी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को सिर्फ रिफंड किया जाएगा जो एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में अपियर होंगे, ठीक है, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। 250 रुपए उनमें से आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन B, ड्रॉट्समैन B, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर, हेवी व्हीकल ड्राइवर, और इनके लिए इनिशियली 500 रुपए देना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से फीस ली जा रही है। पहले आपको प्रोसेसिंग फी समेत 750 और 500 रुपए देने होंगे, उसके बाद कुछ पैसे रिफंड हो जाएंगे, बाकी के पैसे जो है वो रख लेंगे। ड्राइवर वगैरह की पोस्ट के लिए करें तो 500 रुपए देना है, 100 रुपए जो है वो रख लेंगे, बाकी का आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 750 रुपए आपको पहले देना होगा, 250 रुपए आपका जो है वहां जमा हो जाएगा, बाकी का रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न दिया है, वही सारी चीजें हैं, हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। अगर आप देखेंगे रिटर्न एग्जाम सबको देना है, ठीक है, सभी में आपको रिटर्न एग्जाम देना है। इसमें बहुत ही क्लियरली सारी चीजें मेंशन की गई है। अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन B, ड्रॉट्समैन B, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए तो रिटर्न टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होने वाला है स्किल टेस्ट, ठीक है।
यहाँ पर पास क्राइटेरिया, इंटरव्यू का भी दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पर। आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसमें आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।